के साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां पर देखिए स्वतंत्रता दिवस से पहले युवाओं को बड़ा उपहार मिलने वाला है। आपको बता दें कि यूपी ट्रिपल एससी के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बताया जा रहा है कि 1036 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम रखा गया है। तिरंगा यात्रा बाइक रैली को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरी झंडी भी दिखाएंगे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत मुख्यमंत्री आज हरी झंडी दिखाएंगे। सुबह 10 बजे कालिदास मार्ग में कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम की बात की जाए तो देखिए कहा जा रहा है कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे आज। वहीं सुबह 10 बजे कालिदास मार्ग में ये कार्यक्रम होगा। तो स्वतंत्रता दिवस से पहले देखिए युवाओं को भी बड़ा उपहार मिलने वाला है। आपको बता दें कि यूपी ट्रिपल एससी के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे आज सीएम। वही देखिए कहा जा रहा है कि 1036 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम रखा गया है। तिरंगा यात्रा बाइक रैली को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरी झंडी भी दिखाएंगे। तो हर घर तिरंगा अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए आज हरी झंडी दिखाएंगे। सुबह 10 बजे कालिदास मार्ग में ये कार्यक्रम होगा। तो युवाओं को बड़ा उपहार मिलने वाला है आज। आपको बता दें कि यूपी ट्रिपल एससी के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तमाम तरह के कार्यक्रम भी रखे गए हैं। वहीं कहा जा रहा है कि 1036 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र कार्यक्रम रखा गया है और तिरंगा यात्रा बाइक रैली को सीएम आज हरी झंडी भी दिखाएंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा अभियान के तहत तमाम तरह के कार्यक्रम चला रही है और आज कहा जा रहा है कि बाइक रैली होगी जिसको हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए स्वतंत्रता दिवस से पहले युवाओं को बड़ा उपहार भी मिलने वाला है। यूपी ट्रिपल एससी के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो तमाम तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं आज सीएम के। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्या कुछ आज कैसे कार्यक्रम रखे गए हैं? बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली से वापसी के बाद कई कार्यक्रम है, तकरीबन 2 से 3 कार्यक्रम रखे गए और जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये कार्यक्रम सारे के सारे 5 कालिदास उनके निजी आवास पर रखे गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वतंत्रता अभियान के पहले, ये स्वतंत्रता दिवस के पहले एक बड़ा आयोजन ये है कि युवाओं को एक बड़ी कहने का सौगात मिलने वाली है और 1036 ऐसे अभ्यर्थी होंगे यूपी ट्रिपल एससी के अभ्यर्थी हैं जिनको आज नियुक्ति पत्र का वितरण सीएम योगी आदित्यनाथ अपने हाथ से वहाँ सीएम आवास के तकरीबन 10 बजे ये कार्यक्रम करेंगे। तो इससे तमाम युवा जो नौकरी की आशा लगाए बैठे हुए थे, तमाम पिछले समय से रिजल्ट आने की कहीं ना कहीं अपेक्षा कर रहे थे कि जल्दी से समय पर रिजल्ट आए और उनको उनकी नौकरी मिले जिसके लिए उन्होंने उन लोगों ने मेहनत की है। तो ऐसे में आज उनको यूपी ट्रिपल एससी के जो अभ्यर्थी हैं उनको आज नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। इसके साथ ही साथ हर घर तिरंगा यात्रा का जो आगाज किया गया था 9 तारीख से काकोरी से, उस कार्यक्रम को और बृहद स्तर पर कैसे चलाया जाए पूरे प्रदेश में उसको लेकर के भी आयोजन किए जा रहे हैं, जिसको लेकर के बाइक रैली का आयोजन किया गया। उस बाइक रैली को भी हरी झंडी दिखा करके सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा किस तरीके से बृहद स्तर से चले और लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जा सके, देशभक्ति में कुंभ में लोगों को रमाया जा सके। तो ऐसे में ये स्थितियाँ बनी हुई है, तो ऐसे में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। उस रैली बाइक रैली के जरिए पूरे प्रदेश में एक मैसेज दिया जाएगा जिसको लेकर के हरी झंडी सीएम योगी 5 कालिदास आवास पर कुछ ही देर बाद दिखाने वाले हैं। जी बिल्कुल, आज यानी कि युवाओं को बड़ा उपहार भी मिलने वाला है। अगर बात की जाए बाइक रैली तो ये कहां से शुरू होगी और कहां खत्म होगी? बिल्कुल, ये सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर पहुंचेगी रैली और यहाँ से इस रैली का को हरी झंडी देकर के रवाना किया जाएगा। उसके बाद ये पूरे प्रदेश में रैली में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रैली के युवाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है जो क्षेत्र और जिलेवार अलग अलग सेक्टर्स पर काम करेंगे और इस रैली को पूरे प्रदेश में 15 अगस्त तक पहुँचाएंगे, जिससे कि लोगों को जागरूक किया जा सके झंडे के साथ जुड़ने के लिए, देश के प्रति समर्पण के लिए और कहीं ना कहीं झंडे का महत्व क्या है वो बच्चों को भी समझाया जा सके और बुजुर्गों तक इसका मैसेज पहुंचाया जा सके। ये कहा जा सकता है कि राष्ट्र भावना और राष्ट्र प्रेम में ओत पोत कैसे रखा जाए पूरे प्रदेश को, उसको लेकर के इस रैली का आगाज किया जा रहा है और जो रैली 5 कालिदास आवास मुख्यमंत्री आवास से रवाना होगी, जिसको हरी झंडी दिखा करके सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना करेंगे। बिल्कुल, यानी कि देखिए अगर बात की जाए संजय, आजादी के जश्न में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, लगातार
आजादी के जश्न को कहा जाए या फिर कहा जाए कि आजादी के साथ साथ देश प्रेम को कैसे लोगों के प्रति बरकरार रखा जाए, देश के प्रति कैसे लोगों का जुनून लगातार बढ़ाया जाए, उसको लेकर के सरकार पूरी तरीके से समर्पित नजर आ रही है। यही वजह है कि 9 तारीख से हर घर झंडा तिरंगा का जो अभियान है वो शुरू किया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद काकोरी से इस कार्यक्रम का आगाज उन्होंने किया था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के समेत तमाम प्रदेश के मंत्री हमारे साथ आगे बढ़ते। देखिए अयोध्या उपचुनाव में सपा